यही गारंटी एक पहला स्कूल है शायद विश्व का जहाँ बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। जब कोडिंग होता है तो बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, तो छोटे बच्चे उस उम्र से ही वो क्रिटिकली सोचने लगते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई करते हैं। यूनिक क्यों है आपका स्कूल? मेरे स्कूल यूनिक इसलिए हमें इंडिविजुअल अटेंशन देता है। जो पेरेंट्स यहाँ हैं उनसे एक एक पूछिए, हर दिन हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। EMIT एक साइंस है जिसके तहत हम बच्चों का जो इननेट पोटेंशियल है, जो आप नहीं जान सकते, बाहर से दिखता नहीं है, उस पोटेंशियल को जान सकते हैं बिल्कुल साइंटिफिकली। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ नॉलेज ग्राम के डायरेक्टर मौजूद हैं। बताइए कि सुना है कि आप बड़ा यूनिक है, यूनिक स्कूल है, बहुत फैसिलिटी देते हैं, और क्या समझाइए लोगों को जी। ये नॉलेज ग्राम एक यूनिक स्कूल है, एक नई कॉन्सेप्ट है। जो इसके तहत हम लोगों ने जो बच्चों का एडमिशन लेते हैं, ये पहली शर्त होती है कि बच्चा सूरज निकलने के पहले जगना है उसको, और वो उसके पहले क्लास भी हो जानी है ऑनलाइन। यानी बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं आते, पेरेंट्स को जल्दी जागना ही नहीं होता है। यानी सूरज निकलने के पहले जागना है उनको, तमाम तरह एक्सरसाइज योगा कराए जाते हैं उस बच्चे को। हमारी होम जो ये घर में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते आप, बाहरी कोई पढ़ाने नहीं आ सकता आपके घर में ट्यूशन, हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे से पढ़ा। आपके स्कूल में तो आपकी जिम्मेदारी, बाहर से ट्यूशन कोई ट्यूशन अलाउड ही नहीं है, आप एडमिशन नहीं होगा अगर आप देखें तो। ये सारे ऐसे स्कूल है, कंप्लीट सारी फैसिलिटी, हर क्लासरूम में मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स हैं। अभी हम लोग आज जो खास बात है जिसके लिए आज बुलाया गया आपको, कि आज हम लोग दो नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। दो नई चीज़ें, पहले से यूनिक चीज़ें इतनी हैं, दो नई चीज़ें। एक तो हम ये करना चाह रहे हैं कि एक EMIT एक साइंस है जिसके तहत हम बच्चों का जो इननेट पोटेंशियल है, जो आप नहीं जान सकते, बाहर से दिखता नहीं है, उस पोटेंशियल को जान सकते हैं बिल्कुल साइंटिफिकली, और उसको ट्रेन करके बच्चे को वहाँ पहुँचा सकते हैं जिससे उसको भगवान ने बनाया है। और आप लोग पहुँचाएंगे जी वहाँ गारंटी से, ऐसा हो रहा है पूरे विश्व में हो रहा है, अमेरिकन पेटेंट हमने लिया है, और इसीलिए नायडू जी यहाँ आए हैं बताने के लिए। हमारे यहाँ जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, दूसरी चीज़ है हमारी जो कोडिंग हमने शुरू कर दी क्लास वन से, बच्चों को बड़ा होने का वेट ही नहीं करना है, कोडिंग पे AI शुरू हो गया क्लास वन से, बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए और बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत फर्क आया है। अभी जो AI जो बच्चों समझने की स्पीड है, जो हम आज के 10 साल पहले जो क्लास 6 में बच्चे समझते थे, आज वो बच्चे क्लास 1 और 2 में समझ लेते हैं। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है बच्चों में बहुत फर्क आया। प्रिंसिपल मैम भी मौजूद हैं, उसके बाद हम वहाँ पर आएंगे। मैम बताइए कि नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड? यस, नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड। स्मार्ट क्लास, सारे क्लास, ऑल द क्लासेस स्मार्ट क्लासेस है। ये कैसे हो जा रहा है सर? ने कहा कि जो 6th स्टैंडर्ड में हम लोग स्विमिंग पूल भी स्टार्ट कर रहे हैं। यस, मतलब बच्चों को फुल फैसिलिटी भी देंगे और कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये भी करते हैं, हमारी नया स्कूल है तो जनरली क्या होता है कि आप एवरेज से बच्चे लोग को बड़े अच्छे बच्चे के साथ थोड़ा से वीक स्टूडेंट से ये उम्मीद से यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग एक एक चीज बच्चे का। मान लीजिए एक कोई वीक बच्चा है, इमेजिन वीक बच्चा, वीक कोई नहीं होता लेकिन मान लेते हैं उनको एडमिशन चाहिए आपको, और उनका सपना बहुत बड़ा है, क्या वो बच्चा एकदम तेज हो जाएगा? बच्चे तेज नहीं, मैं उनको मोटिवेट करेंगे, मैं उनका अंदर में जो कमियां हैं उसको जान के बाद उस तरह से उसको लाइन में जाने के लिए ये कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर तो बता दिए, आप बताइए प्रिंसिपल हैं आप, यूनिक क्यों है आपका स्कूल? बच्चे क्यों आए यहाँ? मेरे स्कूल यूनिक इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन देता है। जो पेरेंट्स यहाँ हैं उनसे एक एक पूछिए, हर दिन हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन असेंबली होती है? यस, ताकि हर पेरेंट्स को पता चले उनके बच्चे परफॉर्मेंस क्या करते हैं, और हर दिन में ये बड़ा पहली बार सुन रहे हैं कि ऑनलाइन असेंबली। यस, मेरे हमारी ऑनलाइन असेंबली में असेंबली जैसे बच्चे यूनिफॉर्म में हैं उसमें आ जाएंगे, जो परफॉर्मेंस करता है हर दिन एक टीम बेस्ड परफॉर्मेंस होता है ऑनलाइन, तो पेरेंट्स जाने, पेरेंट्स बाकी बच्चे जो हमारे स्कूल में नहीं हो बाहर हो वो भी सीखे, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए। ये दोनों तो बता दिए कि नॉलेज ग्राम क्यों यूनिक है, क्यों खास है, आप तो चीज़ नई लाने में उसमें मदद कर रहे हैं। तो हम जो ब्रेन वंडर्स जो संस्था चला रहे हैं, इसमें हम DMIT US का पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसमें हम बायोमेट्रिक स्कैन्स लेते हैं, बच्चों का जो इनबॉर्न स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब जान के उसके करियर पोटेंशियल को जान सकते हैं। जैसे आपने इसके पहले आपने पूछा कि अगर कोई बच्चा वीक है, तो जैसे आपने ये भी कहा कि कोई बच्चा वीक नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अगर वीक है तो उसकी वो वीकनेस को समझना और उसकी स्ट्रेंथ को समझ के उसको करियर इंट्रोस्पेक्शन वो सही राह दिखाना। तो ये पहली बार हम
पटना में ला रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कूल में, ताकि हर एक बच्चे की जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से हम से ला रहे हैं। कितना दिन इंतजार करना होगा बच्चों? बस ये अगले 3 घंटे में ये लॉन्च हो जाएगी, और इसके बाद जितने भी लोग हैं पटना में ये पर्टिकुलर स्कूल में, सबको ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो हमने किया है। तो ये जो आविष्कार हो रहा है वो कौन से स्टैंडर्ड से होने लगे? सो राइट एट द बिगनिंग ना, अगर समझो कोई बच्चा अगर 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो हमारे पास समय मिलता है उसके एक्टिविटीज को लाइन करना, उसके एप्टीट्यूड को लाइन करना। जैसे मैल्कम ग्लैडविन की किताब है आउटलायर, उसमें कहा है सीधे, आप कह रहे कोई बच्चा वीक नहीं होगा? कोई बच्चा वीक नहीं होता। बिहार वासियों को, पटना वासियों को, क्योंकि मुझे लग रहा है जितना भी आप लोग बताए हैं ऐसा स्कूल है नहीं पटना जी। इससे ये पहला स्कूल है जहाँ पर ये गारंटी दी जाती है कि आपका बच्चा अगर यहाँ आएगा तो यहाँ वो बन के निकलेगा जिसके लिए भगवान ने उसको भेजा है। कैमरा में बोल रहे हैं बिल्कुल, इसको नोट किया जाए, उसे खूब प्रचार किया जाए। और अभी तक जहाँ जो बच्चे हमारे पास आए हैं, 500 बच्चे हैं, उनके किसी भी पेरेंट्स से आप बात करके इस बात का अभी पता लगा सकते हैं। पता लगा सकते हैं। प्रिंसिपल मैम से सब डर, सारे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम के सामने जाने से लोग डरते हैं, आपके यहाँ बहुत फ्रेंडली है? हाँ यस, मेरे रूम अक्सर खुला रहता है, जिस बच्चे को जहाँ पर प्रॉब्लम टीचर सॉल्व नहीं कर पाए। आप क्या कहना चाहेंगी पटना वासियों को और बिहार वासियों? पटना वासियों को ये बोलेंगे हमारी स्कूल यूनिक है, आपको लगता है कि आपके बच्चे को कभी भी डीमोटिवेट मत करिएगा, उसको मोटिवेट कर लीजिएगा, उनको सिर्फ चाहिए किस रास्ता पर चलना है। आइए नॉलेज ग्राम में आइए, हम उनको बताएं। अच्छे हैं और गाइड करने के लिए प्रिंसिपल मैम अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि जितना पे उनको जाना यही गारंटी। एक पहला स्कूल है शायद विश्व का जहाँ बच्चे का कम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, यानी आप इस बात को सोचे बच्चे की सुबह 4:45 से लेकर के और रात तक 9:30 तक बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और उनकी प्रॉब्लम हम सुनते रहते हैं, उनका इंडिविजुअल अटेंशन टीचर खुद देखती हैं, और हर बच्चे का ग्राफ बढ़ रहा है। सारे डायरेक्टर इतना एक्टिव नहीं होते, आप इतना एक्टिव? ये यहाँ बच्चों की जरूरत है, बिहार को हमें ऐसी लीडरशिप देनी है, बिहार के बच्चों से मुझे पूरी दुनिया चलानी है। इसीलिए बच्चों से? जी बिल्कुल, मेधावी हैं बिहार के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा, ये तो तय है, और बिहार के बच्चों से हम पूरी दुनिया चलाएंगे इसकी खबर हमने पूरी दुनिया वालों को दे रखी है पहले ही, और इसकी शुरुआत हो गई है। जी आपको मैं बता दूं, हमारे विद्यालय को हमने 3 हिस्से में बांट रखा है, एक है सेवा नॉलेज ग्राम, दूसरे का नाम है शिक्षा नॉलेज ग्राम, और तीसरा है रक्षा नॉलेज ग्राम। हर बच्चे में कुछ खासियत होती है जो हम उन मशीनों से अभी पता कर रहे हैं, और जो बच्चे सेवा के लिए ओरिएंटेड है, जो सर्विस ओरिएंटेड बच्चे हैं, ISP से डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सारे बच्चे सेवा नॉलेज ग्राम के हिस्सा हैं, जो बच्चे आगे चलकर एजुकेटर बनेंगे, मोटिवेटर बनेंगे, गुरु बनेंगे, टीचर बनेंगे, जो दुनिया को ऊंचाई पर ले जाएंगे, वो शिक्षा नॉलेज ग्राम में जाते हैं, और जो बच्चे थोड़ा बलिष्ठ हैं, जो शार्प हैं, जो देशभक्त हैं, उनके लिए रक्षा नॉलेज ग्राम का दरवाजा खुला हुआ। इन तीनों बच्चों की ट्रेनिंग अलग अलग हो रही है, तीनों की असेंबली अलग अलग होती है, तीनों के लिए एक्सपर्ट्स अलग आते हैं, और तीनों की वीडियोज वगैरह अलग अलग दिखाई जाती है। ये विश्व में पहली बार, ये कॉन्सेप्ट पहली बार विश्व में नॉलेज ग्राम लेकर आया है, जहाँ पर बच्चे को क्लास 1 में पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और स्टूडियो, अब ये गॉट ए स्टूडियो इन माई स्कूल वेयर चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू डांस, ड्रामा, स्पोकन स्टूडियो, दैट इज रिले टू द पेरेंट, लाइक चाइल्ड डिलीवरिंग एंड पेरेंट इज वॉचिंग, इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, बट एवरी चाइल्ड इज हियर अंडर आईज ऑफ पेरेंट ऑल्सो, वेन वट एवर ही इज डूइंग पेरेंट इज वॉचिंग। तो मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, और इस स्कूल में हम लोग यूलो एटेक की तरफ से आए हैं, और यूलो एटेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड कंपनी है जो हम लोग कोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 घंटे में लॉन्च होने वाला है? हाँ, बस ये बिहार की पहला स्कूल है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कोडिंग आपके हिसाब से कितने एज के जो बच्चे हैं वो सीख जाएंगे? हाँ देखिए, मेरे हिसाब से नॉर्मल एक परसेप्शन है कि कोडिंग हायर क्लास के बच्चे ही सीखते हैं और सीख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से क्लास 1 से कोडिंग को सीखना चाहिए। क्लास 1 से क्या आप सिखाएंगे? बिल्कुल क्लास 1 से सिखाएंगे। फायदा क्या कोडिंग का आप बताइए? मैं बताता हूँ बेसिक, बहुत लोग नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग नहीं जानते हैं। फायदा होता है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है, बच्चे बचपन से ही क्रिटिकली सोचने लगते हैं, ठीक है। जब कोडिंग होता है तो बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, तो छोटे बच्चे उस उम्र से ही वो क्रिटिकली सोचने लगते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई करते हैं। तो कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड के लिए बच्चों की जरूरत नहीं है, वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी होता है, प्लस डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हैं बच्चे छोटे उम्र से ही। सिंपल नॉलेज ग्राम में आइएगा भैया तो जिंदगी मस्त रहेगी। बिल्कुल मस्त रहेगा, और यही अभी गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही मोटिव है, और जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो भी यही कहता है कि बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए, आप फन वे में लर्निंग कराइए, और नॉलेज ग्राम सारे नॉलेज ग्राम में अगर आप आएंगे तो जीनियस नहीं बहुत जीनियस बन जाएंगे। और क्या क्या होने वाला है नॉलेज ग्राम में, रेडी रहिए, बस कुछ समय में नॉलेज ग्राम एक से एक चीज लगेगा। और यूनिक क्यों है वो तो प्रिंसिपल मैम ने भी बता दिया, डायरेक्टर सर ने बता दिया, और बहुत अच्छे से बता दिया, और ऐसे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर
नहीं मिलते हैं जल्दी, जो बच्चों को हाथ पकड़कर सिखाते हैं। तो बस नॉलेज ग्राम क्यों यूनिक है, क्यों खास है और क्यों आना चाहिए नॉलेज ग्राम में, तो आपने सुन ही लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।